हेलो नमस्कार मित्रों, केम छो मजा मा। मेरा नाम है रवि उराव और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे पांच फ्यूचरिस्टिक बाइक के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंडियन मार्केट में आकर धमाल मचा देगी। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं यामाहा की इस तीन पहियों वाली बाइक से। तो यामाहा ने अपनी एक बेहद खास बाइक को पेश किया है जिसका नाम है निकेन। तो इस बाइक के इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 847 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो कि 10,000 आरपीएम पर 114 bhp की पावर और 8,500 आरपीएम पर 87.5 nm का टॉर्क जनरेट करता है। यही इंजन कंपनी की MT09 में भी लगा हुआ है। इस बाइक का वजन 263 kg है लेकिन इसे चलाना बेहद आसान है। इस बाइक में 25 लीटर का पैरनियर्स दिए गए हैं जो कि पिछले यात्रियों के लिए हैंडल पकड़ने का काम भी करते हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन या किसी भी अन्य गैजेट को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का आउटलेट भी दिया गया है। तो इस बाइक की प्राइस की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम में इस बाइक की प्राइस है 13,499 पाउंड जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर हो जाते हैं 12.39 लाख रुपीज़। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये तीन पैरों वाली जो बाइक है वो इंडियन मार्केट में सक्सेस करेगी कि नहीं। दोस्तों वैसे भारत में माना जाता है कि लड़कों के लिए बाइक और लड़कियों के लिए स्कूटी होती है, पर अब एक ऐसी स्कूटी आने वाली है जो कि लड़कों को भी अपना दीवाना बना देगी। तो दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पे है एक फ्यूचरिस्टिक स्कूटर। जी हाँ, इसका नाम है BMW मोटर आर्ट कॉन्सेप्ट लिंक। तो दोस्तों इस स्कूटर को भविष्य का स्कूटर माना जा रहा है। आधुनिक शहरी व्यवस्था के लिहाजा से इसको तैयार किया गया है। इसके हैंडलिंग आसान होने के साथ साथ इसे तेज स्पीड पर भी चलाया जा सकता है। साथ ही इस स्कूटर में आपको रिवर्स गियर भी देखने को मिल जाता है जिससे कि इसको पार्क करने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। फीचर्स की बात की जाए तो इसमें क्लासिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है। स्पीड, नेविगेशन और बैटरी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन राइडर के ठीक सामने दी गई है। इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए अलग पैनल दिया गया है। यह स्कूटर फुल्ली इलेक्ट्रिकल है तो इसमें आपको पैनल टच सेंसिटिव दिया गया है जिससे कि आप इन्फॉर्मेंट, कनेक्टिविटी और रूटिंग इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा को कंट्रोल कर सकते हो। और दोस्तों फिलहाल कंपनी ने इस बाइक की इंजन स्पेसिफिकेशंस और बहुत सारे फीचर्स रिवील नहीं किए हैं तो उसकी जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियोस में मिल सकती है। वैसे आप कमेंट करो दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि स्कूटर के आने के बाद क्या भारतीयों का जो रुझान है इसके प्रति जाएगा। तो दोस्तों आपने लग्जरी स्पोर्ट्स और क्रूजर बाइक तो काफी देखी होगी लेकिन बाजार में एक ऐसी बाइक सामने आई है जिसके सामने महंगी से महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी फीकी पड़ जाती है। तो दोस्तों इस दिलकश बाइक का नाम है लुडोविक लाजारेथ LM874। ये सुपर बाइक देखने में जितना आकर्षक है चलाने में भी हवा से बातें करती है। इस बाइक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें दो नहीं चार टायर लगे हैं। इस बाइक में 4.7 लीटर का मैसेटरी V8 इंजन लगा है जो कि बेहद पावरफुल इंजन माना जाता है। इस बाइक की टॉप स्पीड है 340 किलोमीटर पर आर, मतलब कि आप लोग कह सकते हो कि ये बाइक नहीं चार पहियों वाला पूरा स्पोर्ट्स कार है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग इस बाइक को कहोगे क्या, एक चार पहियों वाला बाइक या फिर एक पूरा फुल्ली लोडेड स्पोर्ट्स कार। तो दोस्तों अब आप लोग देख के ये बताओ कि ये बाइक की कार है, मतलब आप लोग बताओ इसे। तो असल में आप लोग धोखा मत खाना, असल में ये एक बाइक ही है और इस बाइक का जो नाम है वो है वजूमा V8M। तो दोस्तों ये बाइक फ्रेंच फिल्म लाजारेथ के द्वारा बनाई गई है जो कि खासकर ऑफ रोड और जंगलों और हिली एरियाज के लिए बनाई गई है। वैसे इस बाइक को आप लोग कहीं भी दौड़ा सकते हैं और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 240 kmph। तो दोस्तों देखा जाए तो ये अपने में ही काफी अनोखा इंजीनियरिंग का निशानी है, प्लस इसका जो दाम है वो भी काफी ज्यादा है। वैसे तो अगर आप लोग इंडिया में इस बाइक को खरीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पूरे 1.4 करोड़। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि आप लोग इतने पैसों में या ये बाइक लोगे या फिर कोई फरारी जैसे कार। तो दोस्तों हमारे जो लिस्ट में आखिरी नंबर पे जो बाइक है वो है तूफान का देवता। नहीं, मैं थॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है एस्टन मार्टिन AMB001। और ये जो आप लोग बाइक देख रहे हो, मतलब देखो इस बाइक को, मतलब कि क्या कहे इस बाइक के बारे में। तो दोस्तों ये बाइक देखने में जितना पावरफुल है इसके स्पेसिफिकेशन जो है उससे भी 10 times ज्यादा पावरफुल है। तो इंजन की बात की जाए तो इस बाइक में आपको मिलती है 997 सीसी का 8-valve 88° DOHC वाटर एंड ऑयल कूल्ड वी ट्विन इंजन जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ APTC क्लच के साथ आती है। साथ ही इस बाइक का मैक्स पावर है वो है 180 hp का। साथ ही काफी सारे स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं जिसमें है टर्बो सुपर चार्जिंग, कार्बन फाइबर फिन्स दिए गए हैं इस बाइक में, अल्ट्रा लाइट वेट एस्टन मार्टिन विंग्स दिए गए हैं इसमें। खास फीचर्स दिए गए हैं पर वो बताने का फायदा नहीं क्योंकि पहले आप लोग दाम सुन लो। तो इस बाइक का जो दाम है वो है 90 lakh rupees।
चलो इतने पैसे में तो आप लोग बाइक खरीद ही लेते हैं ये वाला, पर दिक्कत ये है दोस्तों कि ये बाइक के सिर्फ 100 यूनिट्स ही बनाए गए हैं और जो कि सारे रिजर्व्ड है ऑलरेडी। तो छोड़ दो इस बाइक को, आप लोग मत लो, आप लोग कोई दूसरा बाइक ले लो। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को जानकर इन 5 बाइकों के बारे में? तो और आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा बाइक लगा और आप लोग कौन सा बाइक लेना चाहोगे फ्यूचर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देख के काफ़ी मजा आया होगा। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट जय हिंद जय भारत।